दूं, वो कल भी सब पर भारी था, वो आज भी सब पे भारी है। बच्चा बच्चा बोल रहा है वो मुख्तार अंसारी है। लड़के से बात कर रहे थे तब भी कहते कि हमको लग रहा है कि मीठा मीठा जहर दिया जा रहा है, हम अपने आप को थोड़ा मतलब कमजोर फील कर रहे हैं और रोजा भी नहीं रख पा रहे हैं। ये उनके जो संसद भाई हैं उन्होंने भी लिखा, लेकिन मैडम आज क्या है कि अंसारी जी हिंदुओं के मसीहा हैं, क्या कहेंगे उस पर? बिल्कुल सबके लिए उन्होंने काम किया है। सदन के अंदर भी वो दलितों वाला पोस्टर लेकर खड़े थे। उत्तर प्रदेश के कई सांसद हैं जिनके ऊपर मुकदमे हैं, उत्तर प्रदेश में कई मंत्री भी हैं जिनके ऊपर मुकदमे हैं, और 514 सांसद ऐसे हैं जिन पर 42% मुकदमे हैं। अब आप बताइए कि उन लोगों के ऊपर मुकदमा है उनकी गाड़ी नहीं पलटेगी, उनको टोटी में फंसा के नहीं मारा जाएगा, उनको जहर नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको उनका संरक्षण मिला हुआ है। अगर वो बीजेपी से होते हैं ना मैडम तो उनको भी जहर ना दिया जाता। ये साजिशें जो रच रहा वो एक दिन झुक जाएगा और साहस की इस तलवार से जालिम का सिर कट जाएगा। जो उत्तर प्रदेश में जालिम लोग हैं ना, जो जानबूझकर कभी गाड़ी पलटवा देते हैं, कभी टोटी में लटका देते हैं और कभी मीठा जहर देने का काम करते हैं। मैडम आपको मालूम होगा शहाबुद्दीन साहब कब मरे थे? रमजान में। अतीक कब मरे थे? रमजान में। साहब कब मरे? मुख्तार साहब कब मरे आप बताइए? रमजान में। तो ये रमजान में चुन चुन कर मुसलमान बाहुबली नेताओं को मारा जा रहा है, अभी मुसलमान लोग समझने को तैयार नहीं है और अनुराग ओझा उनको समझाना भी नहीं चाहता है। एक लाइन की तो मैडम बात ही है, क्योंकि मुख्तार अंसारी पे तो सियासत तेज है और क्या लगता है कि आसार जैसे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष तो बार बार कह रहे हैं कि सीबीआई तक की जांच होनी चाहिए। मैडम मैं क्या कह रहा हूँ कि विपक्ष तो कह रहा है, विपक्ष मजबूती से मुसलमान भाइयों के साथ में है, लेकिन मुसलमान भाइयों को भी अब सोचना चाहिए कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया है, मेरे कत्ल पर वो भी चुप है, अगला नंबर आपका है। तो अतीक पर चुप रहे, शहाबुद्दीन साहब पे चुप रहे, अब मुख्तार साहब पे भी चुप है, तो अगला नंबर आप लोगों का है। समझदार के लिए इशारा ही काफी है और बच्चों के लिए गुब्बारा ही काफी है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, अगला नंबर से क्या मकसद है? अरे भाई अगला रमजान आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। अगले रमजान में कौन आएगा तो बताइए ना खुलकर। मैं नाम नहीं लूंगा, नाम नहीं लूंगा, नाम आप ले लीजिए। तो आप किसी के आप में समझ नहीं आ रहा, जो जेल में होगा, जो जेल में होगा, जो कट्टावर नेता होगा, जिसका नाम सुनते ही सत्ताधारियों का पेशाब छूट जाता होगा, उन्हीं का लोग टारगेट करने का काम। जेल में बहुत समझदार पत्रकार है, बहुत समझदार पत्रकार भी है। जेल में तो मैं क्या कह रहा हूँ भाई, जेल में तो आजम खान भी है, किसी का नंबर आ सकता है। सोरेन भी है जेल में, जो गया है विपक्ष उसको पूर्ण रूप से खत्म कर देगा। जरूरी नहीं खत्म कर देगा, विपक्ष को खत्म कर देगा मैडम। हाँ। आप समझो, विपक्ष को पूर्ण रूप से खत्म करने की साजिश चल रही है। लेकिन अभी क्या है कि अभी सिर्फ और सिर्फ विशेष लोगों को, लेकिन ये मैडम तानाशाही है, क्योंकि जब गुंडा मवालिया भैया सत्ता में बैठ जाएंगे तो गुंडा मौलिया का कर्तव्य है कि जो हमसे बड़ा गुंडा मौलिया है उनको खत्म कर दिया जाए। आप मानते हैं ना कि मुख्तार अंसारी गुंडा मवाली थे, क्योंकि एक दो नहीं 65 मुकदमे दर्ज हैं, 8 बार सजा सुनाई गई है, 2 बार तो उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। देखिए मैडम, कोर्ट ने उनको गुंडा मौलिया साबित करके ही तभी तो सजा दिया। तो अनुराग ओझा उनके साथ में 1% भी नहीं है, लेकिन उनके साथ में गलत हुआ कि जिस प्रकार से उन्होंने पत्र भी लिखा, प्रेम पत्र नहीं लिखा था, सुरक्षा के लिए पत्र लिखा था, हूँ करने से फायदा नहीं। आप बोला करिए क्यों, तो आप बताइए ना, आप दर्शकों को बताइए। उन्होंने कहा कि हमको भैया ऐसा लग रहा है कि हमको मार देंगे, उनकी पत्नी भी कह रही थी, अपने बबुआ से जब बतवा रहे थे, लड़के से बात कर रहे थे तब भी कहते कि हमको लग रहा है कि मीठा मीठा जहर दिया जा रहा है, हम अपने आप को थोड़ा मतलब कमजोर फील कर रहे हैं और रोजा भी नहीं रख पा रहे हैं। बताइए उनके जो संसद भाई हैं उन्होंने भी लिखा, लेकिन मैडम आज क्या है? लेकिन आप कह रहे हैं कि आप संपत्ति नहीं रखते हैं, ओपी राजभर मसीहा बता रहे गरीब, जो खुद योगी सरकार में। देखिए ओपी राजभर जी क्या है, पिछड़ा समाज से आते हैं, पिछड़ा के लिए उन्होंने हमेशा बोला है, हमेशा आवाज मुख्तार अंसारी साहब ने उठाई है। तो आज अगर वो उनके फेवर में लिख रहे हैं, भले ही वो बीजेपी में हो, अगर उनके फेवर में लिख रहे हैं तो भाई बहुत अच्छी बात है। पीआर के चाचा अगर उनके पक्ष में लिख रहे हैं तो बहुत बेहतरीन बात है भाई। नहीं सारे लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे सामंतवादियों से लड़ाई थी, लोग भी इसीलिए मुझे कहा जाता है कि हम माफिया हूँ, गुंडा हूँ, आप मानते हैं इस बात को? देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो 2005 में हुआ उसके बाद में उनको क्लीन चिट उस विषय में मिल भी गई थी, शायद नहीं मिली थी। बोलिए बोलिए आप बोलिए। आप बताइए कि 500 गोलियां बरसाई गई, उसमें उनको भी फंसाया गया, ठीक, और उसके बाद में जो सबसे बड़का कुर्सी पर बैठा है उत्तर प्रदेश में, उसके ऊपर भी मैडम मुकदमे हैं। उत्तर प्रदेश के कई सांसद हैं जिनके ऊपर मुकदमे हैं, उत्तर प्रदेश में कई मंत्री भी हैं जिनके ऊपर मुकदमे हैं, और
सांसद भवन के अंदर सांसद 543 सांसद होता है ना भैया, और 514 सांसद ऐसे हैं जिन पर 42% मुकदमे हैं। अब आप बताइए कि उन लोगों के ऊपर मुकदमा है, उनकी गाड़ी नहीं पलटेगी, उनको टोटी में फंसा के नहीं मारा जाएगा, उनको जहर नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको उनका संरक्षण मिला हुआ है। अगर वो बीजेपी से होते हैं ना मैडम, तो उनको भी जहर न दिया जाता, उनकी भी गाड़ी न पलटती, कभी किसी की गाड़ी पलटी जाती है, कभी किसी को कुछ किया जाता है, आने वाले दिन में ऐसे ही मुसलमानों को मारा जाएगा। ये तो मतलब योगी के राज में जहाँ रामराज कहा जा रहा है, वहाँ मुसलमानों पे क्या अत्याचार किया जा रहा है? देखिए, मैं रामराज पे आपको बताऊंगा, मैंने रामचरितमानस पढ़ रखा है, मैं जानता हूँ रामराज क्या है, मैं एक ब्राह्मण हूँ। रामराज का मतलब वो होता है जहाँ पे सबको खुश रखा जाए, जहाँ पे कोई भेदभाव ना हो, जहाँ पे कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम ना कोई सिख ना कोई ईसाई ना कोई शूद्र ना कोई ब्राह्मण ना कोई अछूत, जहाँ पे सब बराबर हो। अंता आरंभ अस्ति, जहाँ पे मतलब सब लोग के लिए बराबर हो, वहीं से आरंभ होता है राम राज्य। भेदभाव नहीं, भेदभाव मुक्त है राम राज्य में। मैडम कहाँ पे लिखा हुआ है? आपने रामचरितमानस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं? हूँ, पढ़ा हुआ है, पढ़ा है। अब बताइए कौन से संपुट में लिखा हुआ है कि मुसलमानों को मारो? तो कब? मुझे बस इतना बता दीजिए कि किसी भी बीजेपी के नेता ने कहा हो कि मुसलमानों को मारो? अरे भाई, मैंने किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक आदमी था जो एक बार रोया था, वो आदमी बाद में कह रहा था कि मिट्टी में मिला देंगे। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो कहा होगा वो समझ जाएगा। तो मैडम, मिट्टी में मिलाने वाले जब लोग कुर्सी पर बैठ जाएंगे तो मिट्टी में ही मिलाने का काम करें। माफियाओं से इतनी हमदर्दी क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को आप कह रहे हैं, मुझे किसी भी माफिया से कोई हमदर्दी नहीं है। अगर आप माफियाओं को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं तो मिला दीजिए सभी, लेकिन उसमें कुछ ठाकुर समाज के भी लोग हैं, क्या आप उनको भी मिलाएंगे? विकास दुबे कौन थे? ब्राह्मण थे। सुनो, विकास दुबे को भी मार दिया गया, मुझे कोई वो नहीं, लेकिन उसको गलत तरीके से मारा गया, मुझे इसलिए दिक्कत है। विकास दुबे के भी कर्म कोई अच्छे नहीं थे, लेकिन उसको गलत तरीके से मारा गया, ये गलत बात है। मुख्तार अंसारी का मामला क्या यूं ही रफा दफा हो जाएगा? क्या ऐसे हो जाएगा? क्या लगता है भाई, मैं पूछ रही हूँ। देखिए, जब एक चीज बताएं मैडम, जब पानी में आग लगती है ना, तो फिर बहुत समय लगता है उसे बुझने में, समझ रहे ना आप लोग कहने का मतलब हमारे? तो अब इन्होंने जानबूझ के तो ताया छेड़ने का काम किया है, और 24 का चुनाव भी आ रहा है, तो अब देश के 20% मुसलमानों को समझने की जरूरत है कि मिट्टी में मिलाने वाली सरकार को चुनना है या मिट्टी से बचाने वाली सरकार को चुनना है। ये बताइए कि बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई अमन चोपड़ा करे मिट्टी में मिला दिया, और भी लोग खुश हैं, खुशी जताई जा रही है, कैसे देख रहे हो? जश्न भी तो मनाया जा रहा है, रामराज की दुहाई देते हुए कुछ लोग जश्न भी मना रहे हैं। भगवान राम जब वन से आए थे तो दिवाली की खुशी मनाई गई थी, लेकिन जब भगवान राम अयोध्या से वनवास गए थे तो पूरी अयोध्या दुखी थी। और आज राम राज्य की बात करने वाले, किसी के घर पे मातम हो रहा है, किसी के घर को उजाड़ दिया गया है, और खुश हो रहे हैं, राम राज्य की दुहाई दे रहे हैं। माया के दीवानों, ऐसा काम ना करो, और राम का नाम तुम बदनाम ना करो, राम का नाम बदनाम करो। मुख्तार अंसारी से इतनी हमदर्दी है आपकी? डीएसपी एक्स जो है, आप पूर्व है, क्योंकि उनकी वजह से उनकी नौकरी चली गई, उनसे कोई हमदर्दी नहीं है? नहीं, देखिए, जिन्हें मुख्तार अंसारी ने मारा है उनसे भी कोई हमदर्दी नहीं है आपको? मैं क्या कह रहा हूँ कि उसने जो कुकर्म किए थे, कोर्ट ने उसको सजा दे दिया। अनुराग ओझा 1% भी आपत्ति, मैं तो कह रहा हूँ उसको उसी दिन फांसी दे देनी चाहिए भाई। अगर हम आपत्ति जताने आते तो मैडम आप बोलती, लेकिन गलत रूप से। आपको मैं एक चीज़ फिर बता दूँ, पुरानी बात है लेकिन मैं फिर बताता हूँ कि एक बार की बात है, दो अपराधी जा रहे थे मेडिकल के लिए, ये भी मेडिकल के लिए गया था, इनके जैसे ही कुछ पत्रकार आए, जैसे मैं बता रहा था कि पत्रकार थे, आतिक को कौन मारा था भाई? कौन मारा था वो, आप लोग बताओ? मारा था ना, आया था भेस बदल कर ही आया था ना। तो मुझे इसलिए मैं पत्रकारों से भी घबरा के रहता हूँ, क्योंकि उनको मीठा जहर दिया गया, उनको पत्रकारों ने मारा, और आप लोग भी हमारे अगल बगल में ही खड़े रहते हैं, तो मैं भैया बहुत डर डर के और छिप छिप के इसलिए बोलता हूँ। माफिया के एक अध्याय का अंत हो गया, मीडिया दिखा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार जिस दिन बदलेगी पूरे माफिया का अंत होगा। जो आज माफियों को अंत करने की बात करते हैं वो भी एक समय पर माफिया है। अगर निष्पक्ष रूप से सही ढंग से जांच पड़ताल हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी, दूध और पानी को एक में मिला दीजिए, हंस जो होता है ना मैडम, दूध दूध को पी लेगा, पानी पानी को छोड़ देगा। तो ईडी और सीबीआई निष्पक्ष जांच पे जिस दिन बैठ जाएगी, जहर जहर को निकाल देगी, अमृत को एक्साइट कर देगी, और निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से उनको न्याय मिल जाएगा। अच्छा, इस बीच में आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप कह रहे हैं कि अंसारी जी हिंदुओं के मसीहा हैं, क्या कहेंगे उस पर? मैडम देखिए, वो बिल्कुल सबके लिए उन्होंने काम किया है, सदन के अंदर भी वो दलितों वाला पोस्टर लेकर खड़े थे, और वो हमेशा मतलब कभी किसी को
विशेष रूप से टारगेट, अब आपकी हमारी दुश्मनी होगी तो एक दूसरे को टारगेट करने का काम ही करेंगे। और राजनीतिक रूप से उनका भैया कोई पर्सनल खेत का मामला नहीं था, राजनीति का ही था सब जो था। अब मैडम आप बताइए कि आपका चैनल है, अगर आपका चैनल आपसे कोई छीनने की कोशिश करेगा तो आप क्या करेंगी? अपनी आवाज़ उठाएंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे। अगर वो सामने वाला ताकतवर है आपको चाटा मार दे तो गांधी वाला तो वो है नहीं कि हाँ एक चाटा कोई मार दे तो दूसरा चाटा भी दे देंगे, वो वाला तो नहीं है ना। आप भी अपने हकों अधिकार के लिए छीनेंगे उससे, तो वही तो मैडम राजनीति में चलता है। कोई किसी पे भारी है, कोई किसी पे भारी है, लेकिन मैं एक बात बता दूं, वो कल भी सब पर भारी था, वो आज भी सब पे भारी है। बच्चा बच्चा बोल रहा है वो मुख्तार अंसारी।